पिस्टल की नोक पर एक ज्वेलरी शोरूम के मालिक से लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लूटपाट दिल्ली के भारी जिला में हुई है। दरअसल बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में आए और मालिक को अकेला पाकर उसके ऊपर पिस्टल तान दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक से लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। जैसा कि वीडियो में भी देखा जा सकता है कि बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक पर पिस्टल तानी हुई है और वह पिस्टल की नोक पर उसे ज्वेलरी निकालने को कह रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि डरा सहमा मालिक अपने पास रखी सारी ज्वेलरी निकालकर बदमाशों को दे देता है।